अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये वक्त है आपदा को अवसर में बदलने का, लेकिन उनकी इस बात को सबसे ज्यादा तवज्जो नीतीश राज में दी गई। महामारी में जहां लोग मर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, वहीं कुछ को मलाई काटने का मौका भी मिल गया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से लोगों को मास्क और साबुन की टिकिया देने की योजना बनाई गई थी। मई में नीतीश कुमार सरकार ने कोविड 19 राहत के लिए 170 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसमें मास्क की खरीद के लिए 136 करोड़ रुपए और साबुन की टिकियों के लिए बाकी पैसे शामिल थे। बिहार का प्रत्येक ग्रामीण परिवार 80 रुपए के चार मास्क और 20 रुपए का एक बड़ा साबुन देने का प्लान तैयार किया गया था। राज्य सरकार ने पंचायतों को इस सामान खरीदने के लिए अधिकृत किया। इसके साथ ही पंचायतों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये सामान सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जीविका कार्यक्रम, राज्य खादी बोर्ड और स्थानीय कारीगरों से ही खरीदा जाए। खुले बाजार से सीधे खरीद की इजाजत नहीं है, लेकिन बिहार तक और इंडिया टुडे की जांच से सामने आया कि गांव स्तर के कई नेता कमीशन के बदले प्राइवेट संस्थाओं से खरीदारी करने में लगे हैं। मुजफ्फरपुर में जलालाबाद पंचायत के मुखिया रविंद्र पासवान ने खुले बाजार से मास्क और साबुन खरीदने की बात कबूल की है। मास्क आप लोग खुद सिलवाए थे यहाँ? ना, खरीद के ना थे मार्केट से। खरीद के आए थे, कितने का पड़ा था? हम लोग पड़ा था 4 रुपए का। 4 रुपए का? और 4 रुपए का एक। और साबुन वगैरह? साबुन 8 रुपए का। 8 रुपए का एक पीस, दो देना था। दो तो कितना था? फिर भी तो एक मास्क में 16 रुपए बच गया ना। खर्चा भी तो है, बिजली का पैसा नहीं दिया रुपया, वो जब देना पड़ा। सब अच्छा, मतलब बाकी खर्च जो भी है वो सब उसी पे, उसी के बिल में एडजस्ट। हाँ, मुश्किल से 30-40 हज़ार बचा है। 30-40 हज़ार में चार जगह बटा, क्या 10-10 हज़ार बटा? चार जगह बटा नाजिर जा रहा है, दाऊ जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, सिगरेट जा रहा है। किसको? बिल्ली को। हाँ, बिल्ली तो हमारे यहाँ था ब्राह्मण, लेकिन बड़का घुस को। अच्छा, बड़का घुस को तो सुन, उसी पैसे से मीट दारू से जा रहा है, कोरोना वाले पैसे से। इतना ही नहीं, जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पूर्वी चंपारण के बलुआ गांव पहुंचे तो वहां का मामला और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। यहां के पंचायत नेताओं और स्थानीय बीडीओ के बीच ऐसी साठगांठ थी जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि बिहार में धांधली की बहार है। को खरीदना था, लेकिन उसमें चिट्ठी में वो कॉज लगा दिया था कि मास मार्केट से नहीं खरीदना है, मास जीविका से लेना है, और जीविका सक्षम नहीं है तब सिलवाना है पंचायत में, खरीदना नहीं। अच्छा, तो ये जीविका से कुछ मास उस मिला और कुछ लोगों की न करके किया अपने स्तर से ही। अच्छा, तो आप उसको कैश दे दिए, वीडियो को आपको उसमें कुछ नहीं दिया? वह 2-4 रुपया जो उसमें बचत रहे, 2-4 रुपया परिवार पीछे 5 रुपया आपको दिया। हाँ, अब बाकी कितना वो खाया? अब बाकी खाया कौन, 15 रुपये का रेट से अपना हिसाब ले लिया मास्क का। तो वीडियो ने मास्क बेचा वैसे नहीं मुखिया जी, मुझे नहीं रुपया रहती बिजनेस किया ना, बात समझे? तू मास्क खरीद के कहीं से लाया और हम लोग से बेचा, मैंने हम लोग के अदर जगह से खरीदने नहीं दिया, वो खरीद कर लाया, वो हम लोग के हाथ में बेचा। अच्छा, तो और आपको 5 रुपये के तौर पे पर परिवार, मैंने वही हिसाब से जो बचा से बचा। आप कुछ रुपये का सामान आप खुद से बनवा रहे थे, कितना बचता आपको? मैंने 30% तो ना वो कितने हुए, 30% बच जाता नहीं तो अगर वीडियो से आप नहीं लेते तो क्या होता? वीडियो से आप नहीं लेते, हम अपना खुद ही खरीद के देते। हाँ, समस्या ही है कि जीविका का माल खरीदना था हम लोग, जीविका से आप डायरेक्ट खरीदेंगे ना, वीडियो को कैश थोड़ी देंगे आप। चीज हम बतला रहे हैं, जीविका सब लोग हम नहीं खरीदते हैं, मार्केट के बिल लगाते तो हम फंस जाते, बिल पास वीडियो को ही करना है। अच्छा, जो बिल उसमें लगेगा उसका पास वीडियो को ही करना है। अच्छा, इस स्टिंग ऑपरेशन के दृश्य देखकर आप भी गंभीर हो गए होंगे, इसकी जरूरत नहीं है।
दरअसल जब विकास और सुशासन लबलबा जाता है तो ऐसे ही उफनने लगता है, समाय नहीं समाता, और यही हालत है बिहार का। और सही मायने में बिहार से ही सीखने की जरूरत है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।